नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो आपका एग्ज़ाम गलत होने से बचा सकती है। ये जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ वो गलती बहुत लोग करते हैं एग्ज़ाम में, यहाँ तक कि जो एग्ज़ाम इन्विजिलेटर होते हैं वो भी इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं। और इसी गलती के कारण मेरे दोस्त का और मेरा भी फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं हुआ था इतनी मेहनत करने के बाद भी। तो इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ ताकि ये गलती आप ना दोहराएं एग्ज़ाम में और आपका गलत ना हो। ठीक है, तो चलिए बताता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले मैं आपको ले जाता हूँ अपने एडमिट कार्ड जो आता है आपका सीटेट का उसकी तरफ, वो देखते हैं, फिर मैं बताऊंगा क्या होगी गलती। तो आपका इस तरह से एडमिट कार्ड आएगा, ऊपर लिखा होगा CBSE, है ना, दिल्ली एडमिट कार्ड जो भी है आपका। फिर इधर सेंटर होगा, यहाँ पे आपका एड्रेस होगा, नाम, फादर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, और यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ आ रहा है मीडियम ऑफ लैंग्वेज हिंदी, लैंग्वेज ऑफर्ड 1, लैंग्वेज ऑफर्ड 2, ठीक है, हिंदी 02, इंग्लिश 01, और बाकी ये आएगा। तो जो कन्फ्यूज़न होती है वो हमारी क्या होती है, लैंग्वेज में ही होती है। लैंग्वेज के चक्कर में बहुत लोगों को गलत होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, यही गलती है हमारी ना। यहाँ पे देखो, लैंग्वेज ऑफर 1 हिंदी 02, लैंग्वेज ऑफर 2 हिंदी 01। ठीक है, इसको मैं नोट कर लेता हूँ ताकि मैं आपको गलती समझा सकूँ। ठीक है, ये मैंने नोट कर लिया। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन पेपर जो एक्चुअल आता है, आप ये आप नोट कर लेना, ठीक है, ताकि आप भी गलती समझ सकें। ये वाली लाइन यही इम्पोर्टेंट है, और बाकी एडमिट कार्ड आपको इस तरह से आएगा। नीचे इंस्ट्रक्शंस होगी एडमिट कार्ड में, और बस, और वो क्या क्या एसेंशियल आइटम है आपको कैरी करनी, क्या नहीं करने, तो इस तरह से आता है। तो अब देखो मैं दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन पेपर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है। यहाँ पे निर्देश होंगे ना, इंस्ट्रक्शंस, ये कैंडिडेट्स के लिए होते हैं। यहाँ पे सील लगी होती है, आपको जो है टाइम होता है तभी खोलनी होती है। तो क्वेश्चन में देखो, अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो पहले स्टार्टिंग में जो आता है हमारा पैडागोजी का सेक्शन आता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन ये होता है, इसमें हमारे 30 क्वेश्चन होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देगा आपको। ठीक है, इसके 30 क्वेश्चन हो गए, यहाँ तक 30 क्वेश्चन हो गए। फिर आता है हमारा सेकेंड लैंग्वेज, हमारा आता है मैथमेटिक्स का, ठीक, मैथमेटिक्स का लैंग्वेज सेकेंड सेक्शन आ जाता है। इसके हमारे होंगे 30 क्वेश्चन। फिर हमारा थर्ड पार्ट आता है किसका, ईवीएस का, हमारा ईवीएस का हमारा थर्ड पार्ट आता है, इसमें हमारे कितने हो गए 30 क्वेश्चन। तो अब हमारा हो चुके कितने, 90 क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ तक तो हमारा सही जाता है, हर बच्चा कर लेता है। अब जो है मेन, यहाँ पे फिर आता है हमारा इंग्लिश का सेक्शन, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश का सेक्शन आए 90 से, ठीक है। फिर आया हमारा हिंदी का सेक्शन, ये हमारा है क्वेश्चंस 91 से। देखो ये गड़बड़ हो रही है, आप देखना, ये जो हमारा चालू हुआ इंग्लिश का कितने से हुआ है, क्वेश्चन नंबर से 91 से चालू हुआ, ठीक है। और फिर ये जो है दूसरा, फिर हिंदी का सेक्शन आ गया, ये भी 91 से चालू हो रहा है, देखना, देखते जाओ। फिर इंग्लिश चालू हो गई, दोबारा लैंग्वेज आ गई ना, इंग्लिश का एक और पार्ट आ गया, ये हमारा 121 से चालू हो रहा है। और फिर हिंदी आ गई, ठीक है, ये भी किससे चालू हो रहे हैं, 121 से चालू हो रहे हैं। तो यही मेन चीज़ होती है, कंफ्यूज कर देती है एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में प्रेशर इतना होता है स्टूडेंट्स के ऊपर, वो दो दो सेक्शन देखता है, हिंदी के दो, इंग्लिश के दो, और फिर कंफ्यूज हो जाता है। अब देखना कन्फ्यूज़न कैसे होती है, मैं बता देता हूँ आपको। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है, अब देखना, इंग्लिश का लैंग्वेज 1 का है ये, सबसे पहले जो इंग्लिश आई है यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट 4। आपको कोई स्टूडेंट जो होता है वो लगातार करता है कि है ना, फर्स्ट टाइम होगा या जो भी है, वो लगातार करता जाता है, सोचता है चौथा पार्ट आ गया, चलो वो ये कर देता है और वह हमारा चीट फील कर देता है। फिर क्या करता है, वो जो नेक्स्ट आती है ये वाली, इसको करता है, फिर आ जाती है इंग्लिश, तो ये गड़बड़ हो जाती है, फिर वो सोचता है, फिर गड़बड़ होती है। और यहाँ पर इन्विजिलेटर को भी करता नहीं होता। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना, कैंडिडेट शुड अटैम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 91 to 120, इफ दे हैव ऑप्टेड इंग्लिश एज लैंग्वेज फर्स्ट ओनली, अगर इंग्लिश उन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट चुनी हुई है तब। अब देखो, जो मैंने आपको एडमिट कार्ड में दिखाया था वो क्या था, उसमें इस तरह से लिखा हुआ था, लैंग्वेज ऑफर्ड 1 हिंदी 02, लैंग्वेज ऑफर्ड 2 इंग्लिश 01। तो अब बस यही गलती है, यहाँ पे बोला है कि लैंग्वेज अगर, ठीक है, यहाँ पे मैं भी कंफ्यूज हो गया था, मैंने पूछा था इन्विजिलेटर से, लेकिन उन्होंने भी गलत बता दिया था। अब ये है हमारा, देखो पार्ट 4 में क्या करना है, अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट चूज़ करी है,
इंग्लिश एज ए लैंग्वेज फर्स्ट चूज़ करिए, तब हमें ये वाला सेक्शन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इंग्लिश 01 का जो है, ये 01 जो है ना, ये इंग्लिश हमारी लैंग्वेज वन नहीं है, ये कोड है हमारा, ठीक है, ये कोड है इंग्लिश का। तो नहीं, यहाँ पे हमें देखना है, ये जो है ना लैंग्वेज ऑफर्ड वन, तो ये लैंग्वेज वन है, इसका मतलब क्या है, हमने हिंदी चुनी हुई है। ये कोड मत देखना, इस पर ध्यान मत देना, ठीक है, एग्ज़ाम में भी आपका जो आएगा इसको मत देखना, ये जो आपने ऊपर आएगा उस पर ध्यान देना, यानी लैंग्वेज ऑफर्ड वन है, यानी हिंदी है। तो यहाँ पे क्या है, इसने बोला है कि लैंग्वेज, अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट लिए तो ये सेक्शन करना है, तो ये सेक्शन मेरे को नहीं करना था, ठीक है, समझ गए। जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट ली थी इंग्लिश की, उनको ये करना था सेक्शन, आशा समझ में आया होगा, ठीक है। तो मेरे को, और यहाँ पे देख लो, हिंदी वाला आ गया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 91 से 120 के प्रश्नों के उत्तर तभी दे यदि उन्होंने भाषा एक का विकल्प हिंदी चुना हो, ठीक है। तो अब देखना है यहाँ पे ना, कोड हटा दो, 02 हमने हटा दिया, ठीक है, कोड आपको भी ऐसे ही करना, कोड से कन्फ्यूज़ नहीं होना। ऑफर्ड वन मतलब क्या है, हिंदी, तो ये वाला सेक्शन क्या बोल रहा है, हिंदी चुनाव अपने लैंग्वेज फर्स्ट, तो आपको ये करना था, ठीक है, तो हिंदी का ये वाला सेक्शन करना था, और ठीक है समझ गए, ये वाला करना है हिंदी का, वो वाला नहीं करना था। अब इंग्लिश का देखते हैं, अब इंग्लिश देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैंडिडेट शुड अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 5 121 to 150 इफ दे हैव ऑप्टेड इंग्लिश एज लैंग्वेज सेकंड ओनली। अगर ये जो है, ये वाला सेक्शन जो होगा ना इंग्लिश का 121, ये किनको करना था, जिन्होंने इंग्लिश जो है लैंग्वेज सेकंड चूज करी थी, बस ये ध्यान रखना था, इंग्लिश जिन्होंने लैंग्वेज सेकंड चूज करी थी उनको ये क्वेश्चन करना था। तो यानी इंग्लिश लैंग्वेज कौन सी है, हम मेरी जो थी इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड थी ये वाली, तो मेरे को ये क्वेश्चन करना था, तो बस यही क्वेश्चन होता है। और बाकी जो है लैंग्वेज जिन्होंने जैसी फिल करी है, वो अपने एडिट मार्क के हिसाब से ही करना, बस यही एरर थी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूज़फुल है, तो अपने वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि जो आपके दोस्त भी ये गलती करने से बच जाएँ। अगर कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।